नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए माननीय योगी जी ने दे दिया है, और ऐसे बच्चे जिनको लग रहा था कि उनका पेपर खराब हो गया है, कम अंक रह गए हैं। पहली बात तो मैंने आप सभी को बोला था कि भाई इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, और आपसे एक गूगल फॉर्म भी भरवाया था, उसके हिसाब से मैंने एक एनालिसिस भी किया था। आप में से जो भी गूगल फॉर्म अभी नहीं भरे हों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक लगी हुई है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिए। बहुत जबरदस्त एनालिसिस और इस बात का प्रूफ देखे कि इस बार कट ऑफ वाकई में बहुत कम जा रहा है, और उसके बाद अब अगली बार 2 लाख नई वैकेंसी का इन्होंने घोषणा कर दिया है, और हम लोग समझेंगे कि यह वाकई में 2 लाख आ रही है या फिर इसमें 60,244 सम्मिलित हैं, बाकी चीजें हैं, या फिर सारी डिटेल हम लोग समझेंगे कि योगी जी किस बात के लिए बोल रहे हैं। और यहां पर अभी आपने देखा होगा पेपर खराब हुआ तो 2 लाख नहीं भर्ती योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी इनके द्वारा जो ये बोले हैं, सबसे पहले इनकी वीडियो देख लेते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि आखिर ये है क्या। के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों, ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा और लिखित परीक्षा हो रही है, और परीक्षा देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर किसी ने तो साहस किया सेंध लगाने का, तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं, और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20-30 हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं, बेटियों की भर्ती होगी 20-20, बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सोहदे हैं। चलिए, तो ये रहा, आप लोगों ने इनकी एक वीडियो देख ली, और अब मैं आपको दिखा देता हूं इनका जो ट्विटर हैंडल पे इन्होंने इसके बारे में जो बोला है, एक बार देख लेते हैं। इन्होंने बोला अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस 1 लाख नौजवानों को, तो जो हर जगह 2 लाख 2 लाख हो रहा है, उस 2 लाख में से 1 लाख नौजवान, इन्होंने बोला है 1 लाख नौजवान की भर्ती होगी, और 1 लाख नौजवान मतलब इसमें आपके कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, ये मैं आपको डिटेल में दे दूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो 1 लाख वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आपके सामने हैं। तो अगर आपके सामने मैं बात करूं, तो यहां पे आपके सामने एक एक चीज मैं आपको बताता हुआ चलता हूं कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो अब वैकेंसी होने जा रही है, इसमें इन्होंने यह बोला है कि अब जो पेपर होगा वो प्रीलिम्स और मेंस होगा। तो ध्यान देना, इन्होंने 1 लाख पद की बात किया है, कितने पद की बात की है, 1 लाख पद की बात की है, वो 2 लाख नहीं है, और 1 लाख भी है तो उसमें बहुत ज्यादा है। इसमें से इन्होंने बोला कि 60,244 में क्या है, 244 पे प्रक्रिया चल रही है, इस पे कार्य चल रहा है, मतलब ये वैकेंसी जो आपकी 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त वाली है, इसमें इसको बोला है, मतलब कि ये क्या है, ये वैकेंसी आपकी लाइव है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वैकेंसी क्या है, ये वैकेंसी आपकी रनिंग वैकेंसी है, ये जो आपकी चल रही है। अब आपके जो बच रहे हैं, इसमें बच रहे हैं लगभग 40,000, और इस 40,000 वैकेंसी में बिल्कुल डिटेल में आपको दे दूं तो एक इनकी जो सबसे बड़ी वैकेंसी आने जा रही है वो एसआई की लगभग 5,000 पदों पे है। तो जी हां, यूपी एसआई की जो वैकेंसी है वो लगभग 5,000 पदों पे इसी 40,000 में है। उसके बाद जो बचे 35,000 पद हैं, इस 35,000 पद में मैं आपको बता दूं कि किस किस ये पोस्टों पर वैकेंसी निकालने वाले हैं, जिसमें इनका सबसे अगर बात किया जाए तो इसी में इंक्लूडेड इनका जो 60,244 के साथ साथ एक यूपी एएसआई की वैकेंसी निकली है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है, प्रोग्रामर की वैकेंसी निकली है, इन वैकेंसीज को भी ले लिया जाए तो लगभग 1,000 वैकेंसी आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के आसपास है, और लगभग इतनी ही वैकेंसी यूपी एएसआई में, तो 2,000 और कर दो, बचे आपके 33,000 वैकेंसी। और इसके बाद अब जो बचे हुए हैं वो आपके पीएससी हो गए, फायरमैन हो गए, जेल वार्डर हो गए, और पीएससी महिला हो गई, इन सब की वैकेंसी होंगी। तो ये आपके
लगभग फिर से 30,000 वैकेंसी, नई कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। तो जो आप लोग यहां पे 1,00,000 वैकेंसी के बारे में सुन रहे हो, उस पूरी वैकेंसी का ब्यौरा मैंने आपको यहां पे दे दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो वैकेंसी अब आ रही है, इनमें जिनमें पद ज्यादा होंगे, जैसे कांस्टेबल का हो गया, जैसे यूपीएसआई का हो गया, जिनमें फॉर्म के आवेदन ज्यादा होते हैं, उनमें लगभग आपके प्री और मेंस होंगे, और 10 से 15 गुना बच्चे क्या कहे जाएंगे, मेंस में बुलाए जाएंगे। जो अभी तक जानकारी हमें प्राप्त है, इसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। लगभग अगर इन वैकेंसीज की बात किया जाए, तो सारी वैकेंसीज के टेंडर वगैरह सब कुछ क्लियर है। अब जिन वैकेंसीज, इन वैकेंसी जो हो रही हैं, जो आपके पेपर हो रहे हैं, इसी एजेंसी को दीर्घ काल के लिए रखा जाएगा, मतलब लंबे समय तक इन्हें रखा जाएगा, तो नया कोई टेंडर वेंडर में समय नहीं जाएगा, और जिसके कारण से ये वैकेंसीज आपकी संपन्न कराई जाएंगी। अब प्रश्न आता है कि ये जो वैकेंसीज आपकी आ रही हैं, ये कब आएंगे? तो देखिए, एक वैकेंसी आपकी 60,244 आपकी इधर पेपर होगा, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई वाले बच्चे, ये इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लें कि सितंबर के लास्ट तक आपका भी पेपर हो जाएगा, और फिर पुनः एक वैकेंसी एक आएगी सितंबर के लास्ट, या आप बोल सकते हो अक्टूबर में एक वैकेंसी आपकी यूपीएसआई की आएगी। तो अगली जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, सबसे पहले ये परीक्षा आपकी आने वाली है, कौन सी? अक्टूबर में यूपीएसआई की आने वाली है। तो सारे यूपीएसआई वाले जो बच्चे हैं, इस बात को लिख के ले लीजिए कि अक्टूबर में आपका, अक्टूबर नवंबर तक यूपीएसआई के फॉर्म आ जाएंगे 5,000 पोस्टों पे। उसके बाद जो आपके नई वैकेंसी 30,000 बचेगा, इसमें फिर थोड़े कांस्टेबल होंगे, थोड़े आपके यूपीएसआई एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, और थोड़े आपके क्या होंगे, इसमें आपके यूपीएसआई के भी पद होंगे। बट अधिकांश संख्या 30,000 में लगभग 25,000 से ज्यादा पद आपके कांस्टेबल के आने वाले हैं। और ये जो नया कैलेंडर आपका चालू होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम फरवरी मार्च तक सारी चीजें संपन्न करा लेंगे, और फरवरी मार्च के बाद एक नया आपका कैलेंडर चालू होगा, मतलब कि 2025 से लेके 2026 लास्ट तक ये पूरा कराएंगे, और ऐसे धीरे धीरे वैकेंसी ये 2027 तक ले जाएंगे, और आपको 2027 को पता है क्या है, और ये सब उसी का लाभ है। तो हकीकत में कुछ भी हो, मैं फिर से बोलूंगा, हमें राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करना है, हमें बस ये करना है कि हमारे सामने अवसर है, हमारा अगर पेपर खराब हुआ है या हमारा पेपर अच्छा भी हुआ है, तो आपके लिए यूपीएसआई का ऑप्शन है, आपका पेपर खराब हुआ है तो कांस्टेबल है, यूपीएसआई है, तमाम वैकेंसीज आपके लिए ओपन है। 60,244 दोबारा आने के तो चांसेस नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना फॉर्मूला ही 60% और 40% के फॉर्मूले पे बनाया था, कि पहले चरण में 60% वैकेंसीज कवर कर लेंगे और दूसरे चरण में ये 40% वैकेंसीज कवर कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले पर अगर देखा जाए, तो 60,000 एक बार लगभग आ चुकी है, और 40,000 के आसपास बाकी वैकेंसीज के अंतर्गत आएंगी। तो ये संपूर्ण जानकारी, क्योंकि बाकी लोग आधी जानकारी आपको देके फिर निकल जाते हैं, मुझे लगा कि आपको सारी जानकारी यहाँ पे बेहतर तरीके से दे दिया जाए, ताकि आप भी क्रिस्टल क्लियर रहें। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी भी वर्दी की आपकी परीक्षा हो, बहुत बेहतर तरीके से परीक्षा प्लस बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवा रही है, तो बिल्कुल कहीं आपको जाना नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से आपको परीक्षा प्लस से जुड़े रहना है। और एक एक आपका जैसा क्वेश्चन, इस बार आपने देखा होगा कि कांस्टेबल की परीक्षा में एक एक प्रश्न आपके कितना बेहतर तरीके से हमने इसमें फंसाए हैं, वैसे आपके आगामी परीक्षाओं में भी फंसाएंगे, इस बात को समझिएगा। बाकी आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है आपकी तैयारी के दरमियान, तो परीक्षा प्लस आपके साथ खड़ा है। और जो वैकेंसी अभी कांस्टेबल वाला चल रहा है पेपर, सबसे पहले जो कल बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, कि आपका पेपर अच्छा हो। और जो बच्चे अभी तक गूगल फॉर्म का डेटा नहीं भरे, आप भी भर दीजिए, और 30-31 वाले बच्चे जो पेपर देके आए, वो भी इस फॉर्म का डेटा भर दीजिएगा, ताकि एनालिसिस बहुत जल्द देके आए। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।